Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fundland by Anuj official YouTube channel. So दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं. अब वो सवाल क्या है एक बार वो देख लेते हैं. सबसे पहला सवाल है फिजिकल कितने बच्चों ने पास किया, कट ऑफ कब तक आएगी, कोर्ट केस का क्या चल रहा है. उसके बाद आपका सवाल है वेट का, मेडिकल में क्या इशू रहेगा, गर्ल्स ने कम फिजिकल पास किया है तो क्या उन्हें कट ऑफ में फायदा देखने को मिलेगा, हाइट अगेन चेक होगी क्या, न्यू EWS ऑफिस वालों को क्या बाहर कर देंगे, मेरे हाथ के अंदर 6 उंगलियां हैं तो क्या मुझे मेडिकल में दिक्कत आएगी, मेरे हाथ का जो नाखून है उंगली का वो फटा हुआ है तो क्या मेरे को उसके अंदर मेडिकल में आउट कर देंगे. उसके बाद है फ्लैट फुट के अंदर मुझे क्या दिक्कत आने वाली है, क्या मेडिकल में वहां पर चेक होगा. और लास्ट का है एक या दो नंबर वाले जिनके ज्यादा है, 1.5 नंबर ज्यादा है वो क्या करें, NCC सर्टिफिकेट का कितना फायदा आपको मिलने वाला है, इन्हीं सब सवालों के ऊपर हम बात करने वाले हैं. तो बिना किसी देरी की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. लाइक शेयर आप कर दीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो. तो वन बाय वन हम एक एक सवाल लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो सबसे पहला सवाल, फिजिकल कितने बच्चों ने पास किया, जैसा कि मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं बट बार बार आप पूछ रहे थे तो इस सवाल को अगेन मैंने अपना इंक्लूड कर लिया. तो यहां पर टोटल मेल्स ने पास किया है 7330 के करीब, ठीक है, उसके अंदर भी 2-4 ऊपर नीचे हैं बट 7330 के करीब. लड़कियों की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं तो 3500 के करीब. एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 1170 के करीब एक्स सर्विसमैन ने आपने फिजिकल को पास किया, ठीक है. आई अगेन रिपीट, जो बॉयज हैं उन्होंने 7330 के करीब, फीमेल्स हैं उन्होंने 3500 के करीब, एक्स सर्विसमैन ने 1170 के करीब फिजिकल पास किया है, ठीक है. दूसरा सवाल, कट ऑफ कब तक आएगी. लेकिन कट ऑफ कब तक आएगी पे जाने से पहले यह सवाल जरूरी है कि कोर्ट केस का क्या चल रहा है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे. तो कोर्ट केस के अंदर आपको डेट दी गई है और उसी डेट के ऊपर आपकी अब सुनवाई की जाएगी. अब वो डेट क्या है उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन यह पता लगा है आपको डेट मिल गई है, उसी डेट के ऊपर आपको जजमेंट सुनाया जाएगा. और उम्मीद है कि यह जो जजमेंट सुनाया जाएगा यह आपको अगस्त के 25 तारीख से पहले पहले सुना दिया जाए, जिससे कि आपका आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके. अब बात करते हैं कट ऑफ कब तक आएगी. तो कट ऑफ आपकी आएगी वो अगस्त के लास्ट वीक के अंदर आएगी, और अगस्त के लास्ट वीक में भी लास्ट के 4 दिन के अंदर. लेकिन कट ऑफ आने की जो चीज है, जो बात आपकी डेट है, वो डिपेंड करेगी कोर्ट केस के ऊपर. अगर कोर्ट की तरफ से थोड़ा बहुत स्टे लगा दिया जाता है कि भाई 1 तारीख और दी जाएगी और अभी आप कट ऑफ रिलीज ना करो, तो आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी सेप्टेंबर के फर्स्ट वीक के अंदर. लेकिन उम्मीद है कि कोर्ट केस के अंदर जो आपका है उसकी सुनवाई अगस्त 25 से पहले कर दी जाए ताकि आपका सारा प्रोसेस पूरा हो जाए. और अगर ऐसा होता है अगस्त के लास्ट वीक में और लास्ट वीक के लास्ट के 4 दिनों के अंदर, आपको आपकी कट ऑफ फाइनल मेरिट देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है. सो ये कोर्ट केस वाला सवाल पूछा था हमसे मानसी ने और साक्षी ने, ठीक है, उनको जवाब मिल गया होगा. अगला सवाल है वेट का क्या इश्यू है आपका मेडिकल के अंदर. तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट तो पूरी होती है, मतलब 5 फुट 5 इंच 6 इंच है लड़कियां मान लो आप, लेकिन उनका वेट है वो 35 किलो 40 किलो होता है, वो 16 BMI से नीचे आ जाता है, ठीक है ना. तो वो आ जाता है अंडरवेट के अंदर, और अंडरवेट में भी ज्यादा ही अंडरवेट आ जाता है. तो इन बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत आती है वेट के लिए, ठीक है. बाकी जितने भी आप लोग हैं उनके 17 से लेके आपका 18-19 तक ही आपका BMI मिलता है. तो 17 तक और 19 तक इनके बीच में BMI अगर आपका है तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. दूसरी सबसे बड़ी बात, मेडिकल में वेट से आपको आउट नहीं करते. जिनका BMI अंडरवेट हो गया, 16 हो गया, उनको भी आपको रीमेडिकल के लिए दे देंगे या बोल देंगे कि भाई वेट बढ़ा के आओ आप अपना, या उनको अगर ज्यादा ही कम है तो भाई आप रीमेडिकल आपको 15 दिन बाद करेंगे, आप अपना वेट ऊपर करवा के आओ, थोड़ा सा वेट इंक्रीज करो, ठीक है ना. लेकिन मेडिकल के अंदर आपको वेट के अंदर बाहर नहीं करेंगे, ठीक है ना. यह सवाल का जवाब हो गया. अगला, फीमेल को क्या कम पास करने का फायदा देखने को मिलेगा कट ऑफ में. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम सारे आइडिया जितनी भी कट ऑफ थी ना, वो सारी 4500-4700 के ऊपर बनाई जा रही थी, ठीक है ना. अब आप एक बात सोचो, हम कह रहे हैं वैकेंसी इंक्रीज कर दो. अब वैकेंसी इंक्रीज कर दो 1000,
तो उनसे क्या होगा कि भाई इंक्रीज करने से भी क्या होगा कि ज्यादा ज्यादा कैंडिडेट और सीटें ज्यादा हो जाएंगी, जो रेशियो है वो आपका जो आपका पास का रेशियो और वैकेंसी का रेशियो है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा आपका, वैसे वैसे ही क्या होगा आपका, आपकी कट ऑफ डाउन आती जाएगी, ठीक है ना, कि पास 3500 है और जो आपकी वैकेंसी है वो भी उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगी, तो आपका कट ऑफ डाउन ही आती है। लेकिन सेम केस यहां पर यही हो रहा है कि आपका जो लड़कियां हैं वो 4500 थी, अब वो 3500 हो गई, ठीक है, 2000 सीटें करीब आपके पास, 1900 समथिंग है, हम उन्हें 2000 मानते हैं, और सीटें में अगर आपकी लड़कियां जितना रेशियो कम होता जाएगा ना पास वाला, उतना ही आपके वैकेंसी के इक्विवेलेंट, जितना रेशियो पास का कम वैकेंसी के नजदीक आते जाओगे तो कट ऑफ में फायदा ऑब्वियस सी बात आपको देखने को मिलेगा, और एक और दो नंबर आपका वापस से गिर ही जाएगी आपकी कट ऑफ, और उसी एक दो नंबर से बहुत सी लड़कियां अंदर आ जाएंगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ ऐसे मान लो 50 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी कट ऑफ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां जिनके 48 नंबर है, और अगर एक डेढ़ नंबर गिर गया नीचे तो वो 48 वाली भी उस चीज के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। सो यहां पर आपको बिल्कुल जायज बात है कि आप सभी को यहां पर अगर लड़कियों ने कम पास किया तो कट ऑफ में आपको फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। उसके बाद है अगेन हाइट चेक करेंगे क्या, नहीं, अब आपकी हाइट जो है वो दोबारा चेक नहीं की जाएगी, जो हो चुका जो होना था हाइट वेट वगैरह जो कुछ नापना था सब नाप चुके आपकी, अब वहां पर आपको मेडिकल में अगेन ऐसा कुछ भी चेक रीचेक नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है न्यू ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को क्या बाहर कर दिया जाएगा, तो जी नहीं, नए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हैं उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो बाहर करना और अनरिजर्व के अंदर ट्रांसफर करने को आपको समझना होगा, बाहर करना होता है कि धक्का देके बाहर ही निकाल दिया, दूसरा होता है कि उनको अनरिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देना, भाई आप अनरिजर्व के अंदर फाइट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करना होता तो आपको ग्राउंड के ऊपर ही कर दिया जाता, क्योंकि आपको पता है बहुत से बच्चों को अनरिजर्व के अंदर भी डाला गया है, बहुत से बच्चों को प्रोविजनल भी दिया गया है, बहुत से बच्चों को उसी समय रिजेक्ट करके जनरल के अंदर भी डाल दिया आपका। सो अनरिजर्व कैटेगरी में गए भी हैं बच्चे और प्रोविजनल भी लिखा के लेके आए हैं, सो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, इसका मतलब आपको आपकी कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा। आप बार बार ऐसा सीन नहीं है कि आपको एक बार दिल्ली पुलिस ले रही है, फिर वहां पर एसएससी लिख रही है, फिर दोबारा एसएससी बाहर निकाल रही है, फिर दोबारा अंदर कर रही है, रिजल्ट आने वाला 8 दिन में, तो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो जिस कैटेगरी में वहीं रखा जाएगा, जो होना था वो वहीं हो जाता, अब आपको ऐसा कुछ भी सीन देखने को नहीं मिलेगा कि आपको बाहर कर दिया, आपको उसमें डाल दिया, आपको उसमें डाल दिया, आप सेफ है, जो जिस कैटेगरी में उसी में रहेगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वो अपनी कैटेगरी के अंदर था तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, मेरे हाथ में 6 उंगलियां हैं तो क्या मुझे मेडिकली आउट कर देंगे, तो देखिए ये नेचुरल है, आपने अपनी तरफ से तो लगाई नहीं है, ना तो आपने घटाई ना बढ़ाई, भगवान ने लगा के भेजी, और जो चीज भगवान करके भेजता है वो अनचैलेंजेबल होती है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो मेडिकल में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे हाथ का एक नाखून जो है वो टूटा हुआ है तो क्या मुझे मेडिकली आउट कर देंगे, तो देखिए एक हाथ का अगर नाखून टूटा हुआ है उखड़ा हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, हाँ अगर आपके 3-4 उंगलियों के नाखून ही है ही नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, बाकी एक आधी उंगली का उखड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, क्रैक हो रहा है, आधा है, तो आपको कोई भी मेडिकल में दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद है फ्लैट फुट, क्या फ्लैट फुट जो है वो मेडिकल में चेक करते हैं, तो जी हां बिल्कुल आपका मेडिकल में फ्लैट फुट चेक किया जाता है, स्केल लगा के आपका चेक किया जाता है, यहां पर स्केल डाल के वो चेक करते हैं कि स्केल पास हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर ऐसा अगर फ्लैट फुट नहीं है तो स्केल पास हो जाएगा, और फ्लैट फुट होगा तो स्केल आपका यहां पर रुक जाएगा, ठीक है ना। सो यही चीज है, अगर आपके पास हल्का फुल्का फ्लैट फुट है तो आपको दिक्कत नहीं है, बाकी फ्लैट फुट को लेकर आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि आपको बाहर निकाला हो, ठीक है, एक आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं अनऑफिशियली, अभी तक सुनने में नहीं आया कि फ्लैट फुट को लेकर किसी को बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी अगर आपके पास हल्का फुल्का है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पे है तो पता नहीं वो क्या करते हैं क्या नहीं इस बार, बट अभी तक कोई भी फ्लैट फुट को बाहर निकालने का केस सामने नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद जो अगला सवाल है ये पायल ने पूछा था, एनसीसी के कितने मार्क्स मिलेंगे, भाई एक ने सवाल पूछा मेरे 2 नंबर ऊपर है, एनसीसी का मुझे क्या फायदा मिलेगा, तो एनसीसी की 3 सर्टिफिकेट होती है आपकी, ठीक है ना, एक ए बी सी, ठीक है, और इनके मार्क्स भी 2-5% टोटल मार्क्स के, ठीक है, तो आपका एग्जाम 100 नंबर का था तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब आपके पास कौन से सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, अपने नंबर 2 और ऐड कर लो, 3 कर लो, बी है तो सी है तो 5 नंबर ऐड कर लो, ठीक है। चलिए अगला है, 1-2 नंबर वालों को क्या करना चाहिए, तो देखिए भाई जिनके 1-1.5 नंबर ऊपर है तो इतना तो आप मान के चल सकते हो कि किसी भी कैटेगरी में कंपटीशन तो ही
और एक से दो नंबर तो आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी। इतना कम कंपटीशन भी नहीं है कि 1940 आपकी वैकेंसी है और आपके पास 1950 आपके पास कैंडिडेट है ना, तो इतना भी कम कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है तो एक से दो नंबर तो आपको ऊपर देखने को मिले ही मिलेगी। सो जिनके भी एक से दो नंबर ऊपर है ना, वो उनको क्या करना चाहिए, नई भर्ती आ रही है ना उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है ना, बिल्कुल ये मत सोचो होगा नहीं होगा, करूं ना करूं, अभी रिजल्ट आने देता हूं, बिल्कुल वेट नहीं करनी है। जिनके भी एक डेढ़ नंबर ऊपर है बिल्कुल तैयारी में लग जाओ अपनी, और नई भर्ती के अंदर नए सिरे से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, अब जो आप तैयारी करेंगे, जो आप नए सिरे से तैयारी करेंगे, वो जीरो से नहीं स्टार्ट होगी, वो अनुभव के साथ स्टार्ट होगी। क्योंकि आपको पता है कि 40 नंबर कैसे लेते हैं, 45 नंबर कैसे आएंगे, अब आपकी लड़ाई होगी ऊपर के 10 नंबर एक्स्ट्रा कैसे लिए जाए। ठीक है, सो आपको सब कुछ पता ही है, बस आपको क्या करना है, अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। और तैयारी स्टार्ट करने के बाद अगली वैकेंसी जब भी आएगी, हेड कांस्टेबल वाली आ रही है, नई कांस्टेबल की भी नवंबर दिसंबर में आएगी, तो आपके पास अभी 3 साल तक वैकेंसी आनी है। तैयारी करते रहो, जहां भी मौका मिले वहां पर अपना सेट हो जाओ। सो अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ। इस वैकेंसी में अगर एक डेढ़ नंबर है तो वेस्ट मत करो टाइम अपना, आज से तैयारी करोगे तभी बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और तब जाके आप कहीं एग्जाम को अच्छे नंबर से पास कर पाओगे, ताकि यही वाली सिचुएशन फिर आपको ना देखनी पड़े। ठीक है, एक सवाल और था कि भाई यहां पर मेडिकल वालों का, कि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है, जो केस हुआ था ना, उसके अंदर आपके जो केस किया उन्हीं को मौका मिलेगा या सभी को मिलेगा? तो यहां पर आपके सभी बच्चों को मौका मिलेगा अगर केस आप जीत जाते हो तो। ठीक है, सो यही आप सब लोगों के सवाल थे, होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पूरी कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई करने का और आपके जवाब देने का। फिलहाल के लिए इन्हीं सवालों के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, साथ में नए हैं तो बेल आइकन दबा के आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। ऐसी एक और किसी नॉलेज के साथ, एक ऐसी और किसी वीडियो के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।